मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भद्रराज मेले के लिए राजकीय मेले के अनुदान की राशि दी जाएगी। भद्रराज मंदिर में पेयजल और विद्युत समस्याओं को जल्द दूर करने का भी आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स के चारधाम यात्रा के दौरान मरने वाले यात्रियों के लिए दिए गए बयान से अब भाजपा की खौफजियत हो रही है। अब इस बयान पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसूनी ने इस बयान को लेकर कहा कि सरकार की नाकामयाबी छुपाने के लिए शादाब शम्स उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा से लगातार सुनने को मिल रही अप्रिय घटना के चलते अपनी सरकार का दामन दागों से बचाने के लिए शादाब शम्स ने ये बयान दिया है। ऐसे में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को शादाब शम्स चरितार्थ कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़ा खच्चरों के संचालन से जाम और अव्यवस्था फैल रही है। हर दिन घोड़ा खच्चर संचालकों की शिकायतें मिल रही हैं। एक हॉकर 5 से 8 घोड़ा का संचालन एक साथ कर रहा है। ऐसे में डीएम मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। केदारनाथ पैदल यात्रा अब तक 62 घोड़े खच्चर संचालकों का चालान काट कर 31,000 रुपये का अर्थदंड वसूल चुका है। देहरादून सरकार के निर्देश पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है। डीआईजी गढ़वाल KS नगियाल ने बताया कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से लेकर विकास नगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है, जिससे बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री धामों की यात्रा न कर सके। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं जाएंगे। इसके संबंध में स्थानीय स्तर पर गोष्ठी कर लेंगे और बाकी बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी गई है ताकि जो श्रद्धालु बजाय कि काफ़ी रुद्रप्रयाग वगैरह जाके लौट के आए, यहीं से हम लोग उसको रोक दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी जाएंगे। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकड़ा गाड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें वाहन सवार 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही SDRF के जवानों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी घायलों को 108 के जरिए अस्पताल ले जाया गया। चिन्याली सौड़ के पास मणिगांव का एक ग्रामीण टिहरी झील की दलदल में फंस गया था। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF के जवान मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उस ग्रामीण को दलदल से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई गई। उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की करंट लगकर मौत हो गई। युवक अपने सब्जी के खेत में घास की सफाई करने गया हुआ था। खेत में लगे मोटर के तार से युवक को करंट लग गया, जिसके बाद युवक बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार जिले में सहकारी समितियों में किसानों के लागू की गई ऋण योजना में भी अधिकारी कर्मचारी जमकर गोलमाल कर रहे हैं। किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से 1,00,000 रुपये का बिना ब्याज ऋण देने की योजना राज्य सरकार ने शुरू की थी, लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर लक्सर क्षेत्र में ऋण बांटा जा रहा है, जिसको लेकर अब किसानों ने इसकी जाँच करवाने की मांग की है। साधन सहकारी समिति जवाहर खान में संचालित है, RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। सरकार द्वारा 0% ऋण छोटे किसान के लिए योजना है। बोर्ड के जो यहाँ समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ही वो 1,00,000 रुपये का लोन अपने परिचित अपने परिवार के लोगों को और अपने परिचितों को बुंदरबांट कर दिया गया है। टिहरी जिले के जम्मा स्थित पुलिस लाइन में 15 मई से होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने SSP नवनीत सिंह भुल्लर चम्मा पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक दक्षता और नापतोल में लगे अधिकारियों की आवश्यक दिशा निर्देश दिए और भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश भी दिए। लगभग 9,500 इसमें अभ्यर्थी जो है प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस इसमें 400 लोगों का नापजोक और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिजिकल एग्जामिनेशन वो होगा, और जिसमें कि 400 में उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, और इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। रुद्रपुर में अवैध खनन को लेकर जनपद में लगातार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की घटना आम हो गई है। ताजा मामला शांतिपुरी क्षेत्र का है। यहाँ खनन के विवाद को लेकर एक शख्स द्वारा भाजपा नेता संदीप कार्की को गोली मार दी। रुद्रपुर के निजी अस्पताल में परिजन संदीप कार्की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने संदीप कार्की को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। ललित मेहता है ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे हैं, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है।
इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि भाई यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके, इसी बात को लेके ठनक हुई। और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया, और जिसके वजह से इसको गोली पे चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है।